हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। चीन के बाहर दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर से अब तक सैकड़ों लोग इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमाघरों को एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने की घोषणा कर दी है। इसी बीच बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने महिला पत्रकार सबा नकवी के एक बयान पर हमला बोला है। दरअसल महिला पत्रकार सबा नकवी ने कोरोना के डर से एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि सुरक्षित रहने और भीड़ से बचने की आवश्यकता के कारण ये सभी विरोधों को वापस लेने का सही समय है। सबा नकवी के इस बयान पर अशोक पंडित ने पलटवार करते हुए कहा कि सलाखों के पीछे जाने के डर ने आपको इस तथाकथित विरोध को वापस लेने के लिए मजबूर किया है। मुझे यकीन है कि आपने और पूरे कैबल ने संसद में दिया गया अमित शाह का भाषण सुना होगा। जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ वक्त पहले नागरिकता कानून को लेकर राजधानी दिल्ली आग से सुलग रही थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे थे। इस हिंसा को भड़काने के आरोप में हालांकि कई नामों के खुलासे हुए, लेकिन बावजूद इसके उपद्रवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबको सिखा देता है। ऐसे ही कुछ हुआ यहाँ भी। दिल्ली हिंसा को बढ़ावा ना देने के लिए सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तक ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें अकल तब आई जब देश में कोरोना नाम का वायरस आ गया। देखा जाए तो ये वायरस भले ही खतरनाक है, लेकिन इन उपद्रवियों की खतरनाक सोच से ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि अशोक पंडित ने महिला पत्रकार सबा नकवी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में अमित शाह के भाषण का भी जिक्र किया है। आप भी सुनिए अमित शाह ने अपने भाषण में क्या कहा है। हमने एडवर्टाइज देकर समग्र दिल्ली की जनता से, समग्र मीडिया जनों से डिटेल मांगा है कि भी आपके पास कोई भी फुटेज हो और कोई भी चीज हो तो आप कृपया इस ईमेल एड्रेस पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो आइदर और साइड से दिल्ली पुलिस को भेजे हैं, और अंकित शर्मा का खून का भेद भी मुझे आशा है वो ही वीडियो में से बाहर आने वाला है मान्यवर, जो वीडियो किसी नागरिक ने देखा। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था, और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए 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 ना, उसे मैं बता, मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए, मेरी बात तो आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा। परंतु ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही है, और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु ये 12 स्थानों तक हिंसा रुकी रही है। मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। दूसरा, समय सारणी मान्यवर, लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये रायट चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं, मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब, कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, और बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो
22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए, 60 अकाउंट। और वो क्या समझते हैं बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी।